करनाल में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस के नेता सम्मेलन कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में करनाल में कुलदीप शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस का एक कार्यक्रम हुआ। वहीं कुलदीप शर्मा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के कार्यक्रम फ्लॉप हो रहे हैं और कांग्रेस के कार्यक्रम हिट हो रहे हैं, क्योंकि सीएम मनोहर लाल की लोकप्रियता खत्म हो रही है। करनाल के लोग परेशान हैं कि सीएम मनोहर लाल ने करनाल के लिए किया कुछ नहीं, नौकरी नहीं मिली। वो कहते हैं मैं पूरे हरियाणा का सीएम हूं, पर कोई भी बैठता है तो वो जमीन साफ करके बैठता है। पहले भी सीएम रहे, सबने काम किए। करनाल से MS निर्मल की रिपोर्ट। कल भी हमने अडानी के खिलाफ जो मिली भगत है सरकार ने, उसके खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके बाद हमारे कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता जी ने शहर में प्रदर्शन हाथ से हाथ जोड़ कार्यक्रम किया, आज कर रहे हैं, कल नीलोखेड़ी में है। तो निरंतर हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में हमारे कार्यकर्ता लोग लगे, और आप ये देख सकते हैं कि कांग्रेस अब एक एक्टिव मोड में है, एक्शन मोड में है, फाइटिंग मोड में है। हम जहां हमारे परमजीत लाठर साहब ने जिक्र किया कि अभूतपूर्व सफलता मिली यहां पर श्री राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को, वो सभी साथियों के सहयोग के कारण संभव हुआ, आपका भी सहयोग रहा। उस यात्रा को आपने देखा, जिस प्रकार से सनों का समंदर और लोगों का हजूम उभर के आया, अपने आप में करनाल के लिए एक अभूतपूर्व घटना थी। इतना किसी भी नेता के लिए इतने लोग नहीं आ पाए। नतीजा ये हुआ कि अमित शाह जी ने हरियाणा की कांग्रेस, उनके दरबार में हरियाणा के मुख्यमंत्री जी और बीजेपी के लोग अमित शाह जी के दरबार में हमें बचाओ की गुहार लेकर पहुँचे, और राहुल गांधी जी की सफल भारत जोड़ो यात्रा के रिटॉर्शन में मुकाबला करने के लिए अमित शाह जी को मैदान में गोहाना में उतारा गया, स्टेट ट्रैवल रैली का आयोजन किया गया, 3,500 बसेज लगाई गई, लेकिन वहाँ 300 आदमी भी नहीं पहुँचे। चीफ मिनिस्टर साहब तो चंडीगढ़ से हेलीकॉप्टर में आ गए गोहाना, लेकिन अमित शाह जी का हेलीकॉप्टर दिल्ली से नहीं उठ पाया, क्योंकि उनको ये सूचना मिल गई, होम मिनिस्टर हैं, कि वहाँ पर 300 आदमी भी नहीं हैं, बसें 3,000 भेज दी गई। वहाँ पर तो सरपंच रो रहे हैं सरकार की कार्यकारी, इसलिए वो कार्यक्रम फ्लॉप हुआ। अब कांग्रेस के कार्यक्रम सफल हो रहे हैं और बीजेपी के कार्यक्रम फ्लॉप हो रहे हैं। कारण ये है कि चीफ मिनिस्टर जो हैं खट्टर साहब, इनकी लोकप्रियता समाप्त हो चुकी है। करनाल के लोग उनको 10 साल मेंबर असेंबली बना के चीफ मिनिस्टर बने हुए, लेकिन करनाल के लोग इस बात के लिए परेशान हैं कि हमारे मुख्यमंत्री ने हमारे लिए किया कुछ नहीं, नौकरियां नहीं मिली। वो कहते हैं मैं सारे हरियाणा का चीफ मिनिस्टर हूँ। अरे भाई, कोई भी बैठता है अपनी ज़मीन को साफ करके बैठता है, पहले भी चीफ मिनिस्टर रहे, सबने काम किया, सारे हरियाणा में किया, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। सड़क तो नहीं बनी है, टूटी पड़ी है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं आई, कोई इंडस्ट्रियल बेस नहीं उठ भर के आया, कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं आई, चीफ मिनिस्टर फेल हो गए। और अब हमारा छोटा सा कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस का मुख्यमंत्री की इस रेत की दीवार को ढा देगा जब भी चुनाव। मुख्यमंत्री जी यहाँ से पलायन की कोशिश में हैं, सुना जा रहा है कि कभी वो गुड़गांव का रुख करते हैं, कभी वो पंचकुला का रुख करते हैं, करनाल से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन करनाल के लोग उनका पीछा करेंगे। हमने सरदार त्रिलोचन सिंह जी को कहा है कि मुख्यमंत्री जी से माफ़ी मांगो, एक यात्रा करो, कार्यक्रम करो, भी मुख्यमंत्री जी हमें माफ़ कर दो, आपको 10 साल हमने झेल लिया और झेलने की ताकत हमारे पास अब नहीं है, इसलिए हमें माफ़ कर दो और कहीं चले जाओ। कहेंगे ये CM सिटी है, उन्होंने किराए का 50 गज का मकान ले रखा है, उसमें कभी ठहरे हैं चीफ मिनिस्टर? आप बता दो कभी ठहरे होंगे? इसके ताला लगा हुआ है, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री निवास,
ताकि ये शहर को मुख्यमंत्री सिटी कहा जाए। तो ये एब्सेंटी एमएलए हैं, रेवेन्यू की एक टर्म होती है, मैं वकील हूँ, एब्सेंटी नंबरदार, उसको हटा दिया जाता है। इसी प्रकार से एब्सेंटी चीफ मिनिस्टर और एमएलए को करनाल की जनता हटा देती है। सर आपकी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है, कल अनिल भी जाए थे, क्या से हाथ मिलता नहीं है, किरण चौधरी का रणदीप सिंह सुरजेवाला से हाथ मिलता नहीं है, खुद के हाथ जोड़ नहीं पा रहे, कांग्रेस के हाथ क्या जोड़ेंगे? देखिए वो ठीक कह रहे हैं कि उनका और चीफ मिनिस्टर का हाथ नहीं मिलता है, तो वो बात उनको याद आती है। हरियाणा के कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर उनके पास जाके राजी नहीं है, उनकी जो दरबार है निरंतर कैंसिल हो रहे हैं, उनके पास और कहने के लिए कुछ नहीं। अनिल विज सरकार में मंत्री हैं, ये बताएं कि हरियाणा में क्या डेवलपमेंट करी, वो बताएं। बिना हाथ मिलाए भी हो जाएंगे, हाथ मिला के भी हो जाएंगे, विज साहब को अपनी चिंता करनी है। शर्मा जी, जिस गांव में हम बैठे हैं, इसी गांव में एक सरकारी गौशाला है फूसगढ़ की, 45 गायों की मौत का मामला, जांच कमेटी कई दिनों से जांच कर रही है, लेकिन जो असली कसूरवार है वो भी बचते हुए नजर आ रहे हैं। आपका बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण इसलिए है, ये तो गऊ के बेटे बने हुए थे सरकार के लोग, चीफ मिनिस्टर अपने आप को गऊ पुत्र कहते थे, नंदीग्राम बनाए गए, गऊ को माता हम भी कहते हैं, वो भी कहते हैं, लेकिन गऊ के नाम पर इतना बड़ा आडंबर मुख्यमंत्री जी के इस कार्य क्षेत्र में हुआ है, इसकी जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से होनी चाहिए, लीपापोती के लिए नहीं होनी चाहिए। अरे 2700 गायों का एस्टिमेट भेजा हुआ गवर्नमेंट को, जब एक्चुअल काउंट के लिए कमेटी आई तो 900 गायें हैं यहाँ पर, इसका मतलब बाकी 1800 गायों का चारा इसको प्रबंधन कमेटी के लोग खा रहे हैं, और जो लोग गायों का चारा खा जाएं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता, फिर ये तो कफन भी बेच चुके थे, इनका क्या है? इसलिए कवि ने कहा है, सुना देता हूँ, इनका क्या ईमान भारती, इनका क्या विश्वास भारती, जाने कब ईमान बेच दें, ताज महल और गंगा का जल, यमुना का मैदान बेच दें, न जाने कुर्सी की खातिर सारा हिंदुस्तान बेच दें, इनका जो गाय का चारा बेच के खा गए हैं उनके खिलाफ मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। हमारी मांग ये लीपापोती कमेटी, जिसको मैं कहूँगा, उससे सेटिस्फाई नहीं होने वाली है। हम चाहते हैं हाई कोर्ट के जज, इसका गौशाला के अंदर जो इतना बड़ा कांड हुआ है, गायें मरी हैं, गऊ माताओं की हत्या हुई है, उसके बारे में खनन का जो मामला गरोंडा में सामने आया था, उसमें ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है, मामले को इसलिए जो है दूसरी तरफ ले जाया जा रहा है कि कोई बीजेपी नेता का बीच में भी नाम आ रहा है, इस तरह की अफवाहें फैल रही है। अफवाहें नहीं है, सच्चाई है। सारे हरियाणा में अवैध खनन का बाप माँ बाप जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये कोई, ये तो सारा हरियाणा जानता है, कहीं कोई मंत्री करवा रहा है, अवैध खनन के हिस्सेदार, सब कुछ, सारा हाल मेल सरकार की मर्जी से, सरकार के लोगों द्वारा, पार्टी भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा, ये DSP को मार दिया होता, एक DSP को खुला बात कह गए हैं कि मेरा नाम लेकर आप खनन माफियाओं को ठोक दो। देखिए अनिल विज गब्बर हैं, ऐसे ऐसे दावे वो करते रहते हैं, कई बार वो अस्पताल की टंकियों पर भी चढ़े हैं, अगर इतना वो सोच रहे थे खनन माफिया के बारे में, एक बार जाके विजिट करना चाहिए था स्पॉट को, यहाँ गऊओं की हत्या हो गई है, मारी गई है, यहाँ क्यों नहीं आया अनिल विज? प्रेस कॉन्फ्रेंस में SP को धमका रहे हैं, इससे नहीं चले आप, तो क्या लगता है सिर्फ बयान ही है अनिल विज जी का, और क्या है आप बताइए क्या है? ये एक्शन तो पहले भी हुए हैं ना काफी सारी चीजें, नहीं क्या हुआ है बताइए, कोई एक्शन गिना ही आप, काफी सारी कंप्लेंट्स जो भी जाती हैं उस पर एक्शन तो लिए जाते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कौन सी, दरबार भी लगाए जाते हैं, उनमें भी काफी सारे लोग कहते हैं कि हमारी बात जो भी हम लेके गए अनिल विज को तो मसीह की तरह लोग समझते हैं, कहीं नहीं कोई सुनेगा, CM साहब नहीं सुनेंगे तो अनिल विज जी सुनेंगे। आप मुझे एक इंस्टेंस दे दीजिए, अभी अभी हमारे यहाँ पर पानीपत में जो है एक सिंघम नाम से एक जो ट्रैफिक पुलिस में थे उन पे कोई आरोप लगे, कोई झगड़ा हुआ था पुलिस वाले से, वो भी अनिल विज के पास गए, उनकी भी प्रॉब्लम सुनी गई, उस पर एक्शन लेने के लिए कहा गया और लिया भी गया।
काफी वायरल अभी रिसेंट न्यूज है ये। देखिए अनिल विज पब्लिसिटी के लिए ये सब कुछ करते हैं, अखबारों में बनाने के लिए, ही इज ए पेपर टाइप है।